खिलाफ जल्द लौटूंगा दमदारी के साथ। तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम पहुंची मोहाली, 10 मार्च से शुरू करेगी प्रैक्टिस। मेहमान टीम को मोहाली में बेहतर पिच मिलने की उम्मीद। वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग में साइना नेहवाल दूसरे से तीसरे पायदान पर खिसकी। मेन सिंगल्स में पी कश्यप पहली बार 9वें स्थान पर काबिज। भारतीय ओलंपिक संघ को सस्पेंशन से मिल सकता है छुटकारा। आईओसी ने आयोग और खेल मंत्रालय के मुलाकात के लिए बुलाया। मार्च के अंत तक हो सकती है बैठक। नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस के खास एडिशन प्राइम स्पोर्ट्स में। मैं हूं प्रीति हूं और शुरुआत करते हैं सहवाग की छुट्टी के साथ। टीम इंडिया के धुरंधर ओपनर्स में गिने जाने वाले वीरेंद्र सहवाग क्या अब दोबारा टेस्ट क्रिकेट में नहीं दिखेंगे? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगले दो टेस्ट मैच के लिए टीम से वीरू के बाहर होने के बाद ये बहस तेज हो गई है कि क्या वीरू का खेल खत्म हो गया है, क्योंकि हालिया परफॉर्मेंस के बाद वीरू फ्यूचर की टीम में फिट नहीं दिखते। हालांकि सहवाग ने दावा किया है कि वो टीम में वापसी करेंगे। ये तो होना ही था। आखिर मैदान पर बल्ला खामोश था, कदम लड़खड़ा रहे थे, रफ्तार चरा रही थी और फिर की फंसा रही थी। 9 पारियों की नाकामी सहवाग पर भारी पड़ी। सेलेक्टर्स ने फ्यूचर की सोच बनाई और फिर टीम से कट गया सहवाग का पत्ता। यानी सेलेक्टर्स ने अपनी बदली हुई सोच के संकेत दे दिए हैं। खिलाड़ियों को ये एहसास करा दिया है कि टीम में बने रहने के लिए अब रिकॉर्ड नहीं बल्कि दमदार खेल दिखाना होगा और उनकी निगाहें फ्यूचर पर टिक चुकी हैं। सहवाग टेस्ट क्रिकेट में लगातार लड़खड़ाते दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या टेस्ट टीम से सहवाग के बाहर होने का मतलब मैदान से उनकी विदाई है? हालांकि सहवाग ने इस सवाल को दरकिनार करने में जरा भी देर नहीं लगाते हुए कहा कि फिलहाल उनका संन्यास लेने का कोई इरादा नहीं है। मैं टीम इंडिया में अपनी जगह के लिए कड़ी मेहनत जारी रखूंगा। मुझे अपने खेल पर भरोसा है और इस बात का यकीन भी है कि मैं वापस लौटूंगा। टीम इंडिया को मेरी शुभकामनाएं। कई पूर्व दिग्गज भी सहवाग के स्वर में स्वर मिला रहे हैं। सहवाग शानदार खिलाड़ी हैं। मैं मानता हूं कि वो जरूर दमदार वापसी करेंगे। लेकिन सेलेक्टर्स की सोच बदलने के लिए मैदान पर वीरू के बल्ले का बोलना जरूरी है, वरना क्रिकेट के मैदान से विदाई तय मानिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। और आइए अब नजर डालते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी दो टेस्ट के लिए टीम इंडिया में कौन कौन शामिल है। मुरली विजय, अजंक्य रहाणे, शिखर धवन, चेतेश्वर पुजारा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन,
प्रज्ञान ओझा, हरभजन सिंह, भुवनेश्वर कुमार, ईशान शर्मा, अशोक डिंडा। ऐसा नहीं कि सहवाग पर सिर्फ हालिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज की ही मार पड़ी है और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक बैड पैच आने पर ही सिलेक्टर्स ने उनको बाहर करने का फैसला ले लिया। हम आपको वीरू की कुछ पारियां दिखाते हैं जिनमें उनका बल्ला नहीं चला। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये रनों की नहीं टेक्निक की कमी है जो वीरू को लगातार फ्लॉप कर रही है। स्पिनर की कवर में मारना चाहते हैं, मैंने कहा था गेंद हवा में और आउट भी हो सकते हैं, देखना है कैच पकड़ पाते हैं और ये पार्टन सोनी हिल होता है और कहीं ना कहीं मोंटी पनेसर उस बात कैच सामने वाली गेंद टर्न बाउंस धूल जो भी आप बोले रक्षा कैच अच्छी खुशी दिखाते हुए मौका और ये आउट निराश बड़ा धक्का इंडिया और ये पहली गेंद पर बोल्ड बिल्कुल क्लीन बोल्ड शायद अपनी लैप हो बैठे लंच ने उनका विकेट लिया What a delivery that is. Did Sehwag play inside the line? Did the ball just leave him? It was not an outswinger. They have just played inside the line. हल्का-हल्का धुंधला नजर आता था स्कोर का डिटर पड़ा गया था जब मैंने जबरदस्त गेंद और इनसाइड एज लगी और एक और इंपॉर्टेंट विकेट मिली सेहवाग की जो स्ट्रगल कर रहे थे बॉल पड़ के हल्का सा अंदर आया एच लगी और पेंस उठ गई बिल्कुल ये देखिए बॉल शॉर्ट था रुक बल्ले से आया और देख नहीं पाए बॉल कहां गया देख लेते तो शायद लोग सीधे बल्ले से खेले क्योंकि सीधे बल्ले की बात कर रहा था और ये दूसरा विकेट का पतन हुआ हमारी किनारा और स्लिप में कैच आउट हुए निकल जाता है शायद किनारा लगा जी नहीं अंपायर की सहमति नहीं जी हां दे दिया और आइए अब नजर डालते हैं कि पिछली कुछ सीरीज में सहवाग का प्रदर्शन कैसा रहा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सहवाग के आंकड़े आपके सामने हैं आपकी स्क्रीन पर। ऐसा नहीं कि वीरेंद्र सहवाग पहली बार टीम से बाहर हुए हों। पहली भी फिटनेस और फॉर्म की वजह से उनको टीम से बाहर बैठना पड़ा है और हर बार उन्होंने शानदार तरीके से वापसी की है। लोगों को भले ही इस बार लग रहा हो कि रिटायरमेंट की दस्तक है सहवाग के कोच को ऐसा नहीं लगता। जी बिजनेस संवाददाता राकेश सरन से वीरेंद्र सहवाग के कोच से बात करी ए एन शर्मा जो की है आइए देखते हैं। लगातार फ्लॉप हो रहे वीरेंद्र सहवाग को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हमारे साथ हैं वीरू के कोच एन शर्मा साहब आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही है जिनसे सहवाग लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। शर्मा साहब सहवाग को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और लगातार फ्लॉप हो रहे हैं क्या वजह मानते हैं आप। देखिए जब प्लेयर हर प्लेयर की लाइफ में एक लीन पैच या ऐसा पीरियड आता है जो कई बार कोई भी वर्ल्ड कप टॉप क्लास प्लेयर देखिए उसने 12 महीने या सारे साल जब तक कैरियर में रहा है रन बने हो टॉप से टॉप क्लास बैट्समैन कभी एक लीन पैच आता है तो ये शायद है कुछ लंबा हो गया अवसर मिले थे रन नहीं बन पाए कुछ दुर्भाग्य भी रहा कि मेरे ख्याल लास्ट जो इनिंग्स की वो बेस्ट बॉल थी जिसपे सहवाग आउट हुआ था तो हर एंगल से देखा जाए तो कई बार सितारे अपने साथ नहीं रहते पिछले 5 टेस्ट से लगातार फ्लॉप हो रहे हैं तो ये संकेत नहीं है कि कहीं ना कहीं अब समय आ गया है। नहीं मैं अभी समय की बात मत कहिए क्योंकि इस जैसा खिलाड़ी बहुत मुश्किल से मिलता है
आप मेरे को एक खिलाड़ी का नाम बता दीजिए इंडिया का और उसको वीरेंद्र सहवाग से कंपेयर करके बता दीजिए। मैं इसी समय शायद वीरेंद्र सहवाग के पास जाके बोलूंगा नहीं टाइम है। हम अपनी भावनाओं से ज्यादा खेलते हैं, प्लेयर के कैरियर को, उसके भविष्य को, उसकी मैच विनिंग इनिंग को, उसके लंबे स्कोर को एक समय के लिए बिल्कुल भुला देते हैं। ये सबसे बड़ा कारण। सर वीरू की अगर बात की जाए तो वीरू ने खुद ने कहा कि वो एक फाइट करेंगे, एक कमबैक करेंगे और मैदान पर फिर से पसीना बहाकर फिर से टीम में जगह बनाएंगे और अपने आप पर पूरा उन्हें भरोसा है। इसे आप कैसे देखते हैं कि किस तरह का मोटिवेशन होगा? नहीं, ये तो अभी मैं आपको बता रहा था कि दो मिनट पहले मैं बात कर रहा था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, हर खिलाड़ी के साथ अप एंड डाउन आते रहते हैं। एक लीन पैच आता है, कभी ग्राफ ऊपर जाता है, कभी ग्राफ नीचे जाता है। तो सहवाग भी ये है कि वापस आ जाएगा, थोड़ा सा रेस्ट करेगा, थोड़ा सा ब्रेक लेगा और उसके बाद मेहनत करेगा, तो उसमें वापस आने में कोई भी कठिनाई नहीं। सर टीम से बाहर होने के बाद में आपसे भी सेवा की बातचीत हुई है, क्या क्या खास बातें हुई हैं और क्या बात? खास बात क्या है, मैं एज ए कोच उसको हमेशा मोटिवेट करूंगा कि नहीं बेटा कुछ नहीं है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। मैंने उसको यही कहा, क्रिकेट एक जिंदगी में जिंदगी की तरह है। एक दिन जिंदगी में आप बहुत ऊंचे अच्छा महसूस करते हो, बहुत खुशी महसूस करते हो और टॉप पे जाते हो, दूसरे दिन कोई घटना ऐसी हो जाती है आप बॉटम पे आ जाते हो। यही हाल क्रिकेट का है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारा एंड आ गया। ठीक है, हम चार मैच नहीं हमारे रन बने, टीम से बाहर हो गए, फिर वापस फाइट बैक करके फिर वापस आ जाएंगे। कितना मुश्किल, सहवाग जैसे प्लेयर के लिए वापस आना बिल्कुल कठिन काम नहीं है। एक कोच होने के नाते सहवाग को क्या कहना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो फिर से एक अच्छा कमबैक कर सके? मैं ये कहूंगा बेटा, वर्क हार्ड, कम बैक अगेन एंड हिट इट हार्ड। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो ये थे कोच के कहना है कि जिंदगी की तरह होता है क्रिकेट। प्राइम स्पोर्ट्स में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। फंड, गोल्ड ETF, फिक्स डिपॉजिट या टैक्स प्लानिंग, अगर ये सब आपके लिए किसी पहेली से कम नहीं तो हम करेंगे आपकी मुश्किल आसान, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट देंगे आपके सवालों के जवाब। महिलाओं के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग पर जी बिजनेस की खास पेशकश। मनी मैटर्स फॉर वुमेन मंगलवार और गुरुवार शाम 6:30 बजे और रात 9:30 बजे जी बिजनेस, आपका फायदा। इसके अलावा पीवी के लिए कुछ अलग से लेना पड़ेगा? एक और पॉलिसी और भी कमीशन, बोल। हाँ नहीं सर, ये पॉलिसी काफी है और कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। हमारे एजेंट्स ने हमेशा आपके बारे में सोचा, इसीलिए वो है आपके सच्चे एडवाइजर्स। फर्क देखने के लिए आज ही मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के एडवाइजर्स को कॉन्टैक्ट करें। टैक्स लाभ लेने के लिए हमारे सच्चे एडवाइजर्स से संपर्क करें। चलाए हर कोने में हवा जाए, बिजली बचाए साल भर में फ्री हो जाए, और आइज हवा हवाई पंखे। बड़ी चढ़ी नहीं, सच्ची खबर। न्यूज नाइट डीडी न्यूज प्राइम टाइम पर सही है, यही है। राजन जी समोसा ये गरम गरम है, है? और कोई ऑप्शन? पहले लड़की को देख लेते हैं। अरे बुलाओ भाई, बिटिया आ गई। बच्चों को हम कुछ दे दें। अच्छी है पर और कोई ऑप्शन नहीं है। वो क्या है, राजन जी को magicbricks.com की आदत लगी है, मन पसंद प्रॉपर्टीज के सबसे ज्यादा ऑप्शन। magicbricks.com भाग लीजिए फोर्ड सेलिब्रेशन में 7 से 9 मार्च तक। फोर्ड कार बुक करें और पाए 2.5 करोड़ तक के सुनिश्चित लाभ। जल्दी करें, अपने नजदीकी फोर्ड डीलर पर अभी आएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टेस्ट क्रिकेट में 2 तिहरे शतक जड़ने वाला बल्लेबाज अगर मैदान पर बार बार नाकाम हो रहा हो तो सवाल उठने तो लाजमी हैं। क्रिकेट के जानकार हैरान और सहवाग परेशान। नेट पर अपनी कमियों को दूर करने के लिए वो पसीना बहाते भी दिखे।
लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। बाउंस के साथ ये निकल जाता है, साउथ अफ्रीका में निकल जाता है। सहवाग ऐसे तो न, मैदान पर जो अंदाज दिख रहा है उसे देखकर किसी के लिए भी यकीन करना मुश्किल है। दुनिया हैरान और वीरू परेशान, आखिर कहां चूक रहे हैं सहवाग? चलिए आपको दिखाते हैं सहवाग की कमजोरी जो मैदान पर बिगाड़ रही है उनका खेल। ये शॉट खेलने का सहवाग का वो तरीका है जिससे वो उड़ाते हैं गेंदबाजों के होश। और ये है सहवाग की कमजोरी। शॉट खेलने के दौरान जब सहवाग का बल्ला नीचे आता है तो वो सीधे रहने के बजाय एक एंगल पर मुड़ जाता है, जिससे पैड और बैट के बीच काफी गैप बन जाता है। इस वजह से जब गेंद बल्ले के संपर्क में आती है तो कुछ ज्यादा घूम जाती है और फिर बैट और पैड के बीच गैप बढ़ने की वजह से ज्यादातर मौकों पर वो या तो LBW आउट होते हैं या फिर बोल्ड। जब वो बैटिंग करता है यहाँ से तो कई बार बैट थोड़ा सा बॉडी से दूर चला जाता है टुवर्ड सेकंड और थर्ड स्लिप। अगर वही थोड़ा सा सीधा आ जाए तो बॉल को खेलने में और आसानी रहेगी और बॉल को मिस होने के चांसेस लगभग ना के बराबर हो जाते हैं। ये वीरेंद्र सहवाग की दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी है, फुटवर्क के इस्तेमाल में सहवाग बार बार चूक रहे हैं। हालांकि ये बात दुनिया जानती है कि वीरू की ये परेशानी नई नहीं है, लेकिन अब फुटवर्क की कमी उन पर भारी पड़ रही है। इसके बगैर गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आ रही, शॉट मिस टाइम हो रहे हैं और वो मैदान पर बार बार नाकाम। सहवाग की नजर कमजोर होने की बात भी कही गई, लेकिन चश्मे के साथ भी नाकामी का ये सिलसिला नहीं थमा और इस नाकामी ने टेस्ट क्रिकेट से उनकी विदाई की आवाज और तीखी कर दी है। अखिल निकुंज, जी। और टेस्ट टीम से वीरू की छुट्टी पर सेलेक्टर्स ने कई सीनियर खिलाड़ियों को भी अल्टीमेट दे दिया है। संदीप पाटिल एंड कंपनी ने इशारा कर दिया है कि उनकी सोच अब आगे की है, यानी फोकस अब फ्यूचर की टीम इंडिया तैयार करने पर है और उनकी इस सोच पर टीम में शामिल नया रंग मोहर लगा चुका है। बदल रही है टीम इंडिया। ये टीम इंडिया में बदलाव की नई कड़ी है, वो संकेत है जो ये इशारा कर रहा है कि फ्यूचर की टीम इंडिया तैयार हो रही है। शुरुआत सलामी जोड़ी से हुई, अब नए चेहरे नई शुरुआत के लिए तैयार। ये बदलाव बता रहा है कि टीम इंडिया नए तेवर और कलेवर के साथ तैयार है। अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता जब टीम इंडिया के मिस्टर भरोसेमंद माने जाने वाले राहुल द्रविड़ ने मैदान से विदाई ली थी, लेकिन इस कमी को चेतेश्वर पुजारा ने अपने दमखम से खलने नहीं दिया। नई दीवार अब दुनिया के सामने खड़ी है, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। द्रविड़ की तरह स्पेशल लक्ष्मण की विदाई भी हुई, लेकिन उनकी जगह टीम में जिस खिलाड़ी को जगह मिली वो विराट पारी खेलने में माहिर दिखा। मैदान पर उसकी मौजूदगी को महसूस किया जा रहा है। बल्लेबाजी की तरह टीम इंडिया की गेंदबाजी भी बदली नजर आई। जहीर खान की जगह टीम इंडिया में शामिल किए गए भुवनेश्वर कुमार ने अपने अंदाज से दुनिया को बता दिया कि वो क्रिकेट के हर फॉर्मेट में लंबी पारी खेलने को तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो अनिल कुंबले की विदाई के बाद उनकी जगह भरने की थी। ये काम मुश्किल था, लेकिन अपनी घूमती गेंदों से
इसे आर अश्विन ने मुमकिन कर दिखाया। यानी टीम का रंग बदला बदला दिख रहा है और इस नई टीम इंडिया के नए चेहरों की धमक को मैदान पर महसूस भी किया जा सकता है। सेलेक्टर्स ने भी अपने अंदाज से ये साबित कर दिया है कि फ्यूचर की टीम इंडिया तैयार करने के लिए अगर बड़े नामों की कुर्बानी देनी पड़े तो ऐसा करने में वो नहीं हिचकिचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे। Secret to delicious food, best ingredients, wild imagination, impeccable taste, and a great chef. Their best dishes, their methods, their secrets. देश के बड़े-बड़े शेफ्स के साथ बनाना सीखिए कुछ बेहतरीन रेसिपी। देखिए ग्रेट शेफ्स ऑफ इंडिया रविवार शाम 4:30 बजे, शनिवार दोपहर 1:30 बजे, जी बिजनेस, आपका फायदा। गाड़ी हो या लाइफ इंश्योरेंस, हमेशा डबल श्योर होना ही अच्छा है। तभी तो पंजाब नेशनल बैंक और मेटलाइफ ने मिलकर बनाया पीएनबी मेटलाइफ, हुआ ना डबल श्योर। पान बहार क्रिस्टल, दुनिया का सबसे महंगा पान मसाला, और अब यही खास स्वाद पाए एक नए स्टाइलिश कैन में। पान बहार क्रिस्टल, स्पेशियस नोवो फ्यूचर असिस्ट, 100% सिंथेटिक इंजन ऑयल, जिसे बनाया गया गाड़ियों को और बेहतर बनाने के लिए। नोवो फ्यूचर असिस्ट, एन इंजन ऑयल एज एडवांस्ड एज टुमारो फ्रॉम इंजन ऑयल। Now starts at a special price of rupees 5.99 lakhs. Also get assured 60% resale value after 3 years. Berger filled, luxury smooth and unique textures. Har diwar par. Diwaron se nazar nahi hatti. Bhag lijiye Ford Celebrations mein 7 se 9 March tak. Ford car book karein aur paaye 2.5 crore tak ke sunishchit laabh. जल्दी करें, अपने नजदीकी फोर्ड डीलर पर अभी आएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 14 मार्च से शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम मोहाली पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलियाई टीम 10 मार्च से प्रैक्टिस शुरू करेगी, जबकि टीम इंडिया 10 मार्च को मोहाली पहुंचेगी। पीसीए अधिकारियों के मुताबिक मोहाली पिच चेन्नई और हैदराबाद की पिच से अलग होगी। मोहाली की पिच गेंदबाजों के साथ साथ बल्लेबाजों के लिए भी मददगार होगी। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम को उम्मीद है कि तीसरे टेस्ट से हार का सिलसिला खत्म होगा। मेहमान टीम मोहाली टेस्ट में कुछ सरप्राइज बदलाव पर कर सकती है। वर्ल्ड बैडमिंटन सिंगल्स रैंकिंग में सायना नेहवाल एक पायदान नीचे खिसकते हुए नंबर 3 पर आ गई हैं। सायना की जगह नंबर 2 पोजीशन पर चीन की वर्ल्ड चैंपियन शटलर युहान वोंग आ गई हैं। हालांकि सायना के पास दोबारा नंबर 2 बनाने का मौका है अगर वो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने में कामयाब रहती हैं। सायना के अलावा टॉप 20 महिला खिलाड़ियों में पीवी सिंधु का 16वें स्थान पर कब्जा बरकरार है, जबकि मेन सिंगल्स रैंकिंग में पी कश्यप करियर बेस्ट पोजीशन पर आ गए हैं। कश्यप 11वें स्थान से 2 पायदान ऊपर चढ़ते हुए नंबर 9 पर पहुंचे हैं।
भारतीय ओलंपिक संघ पर लगा सस्पेंशन हटाने की दिशा में आईओसी ने अहम कदम उठाया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने आईओए से इस महीने के अंत तक खेल मंत्रालय के साथ बातचीत कर एक तारीख तय करने को कहा है, ताकि आईओसी, आईओए और खेल मंत्रालय के बीच बैठक बुलाई जा सके। आईओसी ने आईओए के वीके मल्होत्रा को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उसने मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की है। आईओसी का मकसद इस बैठक के जरिए आईओए को चलाने में आ रही अड़चनें दूर करना है, साथ ही एक ऐसा रोड मैप तैयार किया जा सके जिससे आईओए के संविधान को ओलंपिक चार्टर के मुताबिक बदला जा सके और खेल मंत्रालय की गाइडलाइंस भी फॉलो हो सके। आईओसी ने चुनाव में धांधली और सरकारी दखल का आरोप लगाते हुए भारतीय ओलंपिक संघ को 3 महीने पहले सस्पेंड कर दिया था। ओलंपिक ओलंपिक की मेजबानी के लिए टोक्यो की दावेदारी परखने पहुंची आईओसी की टीम ने जापान की जमकर तारीफ की है। आईओसी कमेटी के मुताबिक वो जापान के ओलंपिक बिट प्रेजेंटेशन और उसकी तैयारी में काफी प्रभावित है। आईओसी के 3 सदस्यीय कमेटी ने टोक्यो के 3 दिन के दौरे के बाद ये बात कही। इसी बीच 2020 ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी को और पुख्ता करने के लिए मोबाइल डोपिंग लेबोरेटरी तैयार की गई है, जो विभिन्न गेम्स वेन्यू पर जाकर एथलीट का डोप टेस्ट कर सके। 2020 ओलंपिक की मेजबानी में टोक्यो की टक्कर मैड्रिड और इस्तांबुल से है और सितंबर में वोटिंग के जरिए ये तय होगा कि मेजबानी किसको मिलेगी। 18 साल बाद फ्रेंच फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मेन यूएफा चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। पेरिस सेंट जर्मेन ने स्पेनिश क्लब वैलेंसिया को 3-2 के एग्रीगेट स्कोर से हराया। पहला लेग पेरिस सेंट जर्मेन ने 2-1 से जीता था, जबकि दूसरा लेग 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ। पेरिस सेंट जर्मेन ने आखिरी बार इससे पहले 1995 में क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई और तब उसका सफर सेमीफाइनल में जाकर खत्म हुआ था। और प्राइम स्पोर्ट्स में इतना ही, आप देखते रहिए जी बिजनेस। स्पोर्ट्स के प्रायोजक हैं कैंपस जिंदगी जियो यारो। डियर बुल, डू यू नो द आर्ट इज नॉट इन मेकिंग मनी but in keeping it. I agree, Maharaj. It is good to keep money, but the art is in growing it. That is why I invest with Globe Capital. For love. Globe. Money must grow. Action. Wow. Amazing. Super. Wow. Kya ho raha hai, show me. Silk magic. Silk? Berger Silk. Luxury, smooth and unique textures. Hardi Barpar. We care for your dreams. We care for our commitment. We care for environment. We care for your investment. We care for your trust. We are Earth Infrastructure Limited. We care for you. UCX, coming soon. National Level Commodity Exchange. A joint initiative by IDBI Bank, IFCO, NABARD, REC and Comex Technology. UCX built on trust. Rajan ji, samosa khaye. Ye garam garam hai, hai? Aur koi aap pehle ladki ko dekh le.